रीना, कहाँ हो रीना? हाजी कौन? अरे रामू काका, जाओ जरा चाय वाय बना के लाओ यार। और हाँ, रीना को बुला देना। सर मैंने आपको पहचाना नहीं। तेरा जमाई राजा चूतिए, जा चाय बना के ला भाग। माफ कर दियो बेटा, हम रीना बिटिया को अभी बुलाई देते हैं। रीना बेटा, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। तू जाके तब तक चाय लेके आना। अरे छोटू, तुम तो इंटरव्यू के लिए गए थे ना? ओ तेरे यार की जॉब लग गई है, कन्फर्म। सच में? ठप्पा लगा के। कितनी सैलरी है? 15,000 महीना। वाह बेटा वाह। तू जाके चाय बनाना चूतिए। छोटू, ये मेरे पापा हैं। पापा? चाय? नहीं पापा। चूतिया? नहीं पापा। रीना बेटा? हाँ पापा। हमने इस महीने की पॉकेट मनी तो दी थी ना तुम्हें? हाँ पापा। इस बार थोड़ी कम दी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं पापा, 12,000 में हो जाता है। आपने फिर भी मुझे 14,000 दिए हैं। और आपने इस महीने का लाइट बिल तो भर ही दिया होगा? हाँ पापा। कितना था? 8,000। और झाड़ू पोछा करने वाली आंटी का पेमेंट तो हो गया ना? हाँ, उनको दिवाली बोनस मिलाकर 10,000 दे दिए हैं। रीना बेटा, आपका दिवाली गिफ्ट हमें बहुत अच्छा लगा। कितने का है ये? क्या पापा, गिफ्ट की कोई कीमत होती है? ये मैंने 1.5 लाख में लिया था। अरे तुम्हारे दोस्त के लिए कुछ लेके आओ, बेचारा कब से चाय मांग रहा है। ओ हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। अंकल जी मुझे माफ कर दो। अंकल जी मुझे अपने यहाँ नौकर बना लो। अंकल जी मुझे यहाँ पे ज्यादा पेमेंट मिलेगी, प्लीज अंकल जी माफ कर दो। अंकल जी हट। जिस मिठाई पे मक्खियाँ भिनभिनाती हैं हम उसे नहीं खरीदते। इससे पहले कि तुझे नंगा कर दूं, निकल जा यहाँ से। भाग ले ससुर। छोटू कहाँ गया? अपनी थोड़ी बहुत बची हुई लेके भाग गया। क्या इज्जत?